दुबई से गुआंगजू जाने वाली फ्लाइट की दिल्ली में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। G20 विदेशी मेहमानों के लिए NGMA ने लगाया फेयर, निशानी के तौर पर चीजें खरीद सकेंगे गेस्ट। दिल्ली पहुंचे ऋषि सुनक, सुनियो कुसीदा, शेख हसीना शाम में पीएम मोदी के साथ करेंगे जो बाइडेन बैठक। पूरी दिल्ली नहीं, सिर्फ NDMC के कुछ इलाके रहेंगे बंद। नई दिल्ली को छोड़ खुला रहेगा पूरा बाजार। 12 बजे से बंद होगा लागू। G20 डेलीगेट्स के अलावा एम्बुलेंस की एंट्री की होगी इजाजत। भोपाल में 30 सितंबर को होगा एयर शो, लोग फ्री में देख सकेंगे फाइटर प्लेनों का कमाल। एयर शो में एक साथ 50 फाइटर प्लेन दिखाएंगे अपना कर्तव्य। मराठवाड़ा क्षेत्र के मराठों को कुनवी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का जिगार। प्रकाशित प्रमाण पत्र के लिए निजाम युग के राजस्व या शिक्षा के देने होंगे दस्तावेज। घोषी में सपा के सुधाकर सिंह 30,000 से ज्यादा वोटों से आगे, दारा सिंह चौहान जीत से काफी दूर। त्योहारी सीजन से पहले RBI ने दी बैंकों को बड़ी राहत। चरणबद्ध तरीके से इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को वापस लेने का किया ऐलान। बैंकिंग, रेलवे और पावर स्टॉक्स में खरीदारी से दौड़ा बाजार। इस हफ्ते लगातार 5वें दिन हरे निशान पर हुआ क्लोज। चीप मैन्युफैक्चरिंग में कदम रख सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कई विदेशी कंपनियों के साथ कर रही है बातचीत।